हमीरपुर के गांधी चौक पर एनएसवाई के द्वारा यूपी में हुए गैंगरेप के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर एनएसवाई के जिलाध्यक्ष टोनी ठाकुर की अगुवाई में छात्रों ने रोष प्रदर्शन किया। इस मौके पर एनएसवाई के जिलाध्यक्ष टोनी ठाकुर ने कहा कि एक तरफ तो सरकार अभिनेत्रियों और अभिनेताओं के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन दूसरी ओर अपराधियों को छोड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि यूपी में हुए गैंगरेप के बाद पीड़िता के साथ व्यवहार कतई सहन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एनएसवाई के द्वारा विरोध प्रदर्शन की तरह सरकार की आंखें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, पहले तो देश के लिए बहुत शर्म की बात है। आप सभी को मालूम है कि यूपी के हाथरस जगह में जो एक ब्रूटल जो गैंगरेप हुआ था, आप लोगों को ज्ञात है कि जो हमारी बहन थी वहाँ पे, उनकी गैंगरेप करने के बाद उनकी जीभ काट दी, उनकी रीढ़ की हड्डी तक जो थी वो दरिंदों द्वारा तोड़ दी गई है। लेकिन ना सरकार द्वारा इसके ऊपर कोई वहाँ की सरकार द्वारा इसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया, ना ही जो वहाँ पर जो पीड़िता थी उनको जो था एम्स हॉस्पिटल में लेकर, मतलब किसी अन्य सुविधा तक बढ़ गया हॉस्पिटल तक नहीं लेके गया, उनको कल जो था वो एम्स में भर्ती करवाया गया था। और उसके बाद इतनी शर्मनाक घटना यूपी सरकार द्वारा की गई कि रात को ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, तो मानवता इंसानियत तो यहीं पे पूरी ख़त्म हो जाती है। इस तरह के पूरे वाक्या हमारे देश के अंदर, जो भारत जिसको जिसके अंदर यहाँ पर जो नारी को जो है वो देवी के रूप में पूजा जाता है, वहाँ पर इस तरह की घटनाएँ, और आज तक देखिए, चाहे किसी हीरोइन का मकान अगर तोड़ा हो तो उसको उसके ऊपर इतना बड़ा हंगामा पूरे देश के अंदर खड़ा हो गया, लेकिन जब एक बेटी, एक परिवार की एक बहन के साथ ऐसी घटना हुई तो कोई लोग जो है वो इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठा रहा है। तो ये हमारी अब जिम्मेवारी, हम लोग युवा हैं, हम लोगों को इस देश को बदलना पड़ेगा, हम लोगों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमने आज यहाँ पर एक प्रोटेस्ट किया, लेकिन अगर इसके ऊपर जो आरोपी हैं, जो धरिंदे हैं, उनके ऊपर अगर उनको फांसी के ऊपर नहीं चढ़ाया गया तो आने वाले दिनों में एनएसए जो है एक बड़ा आंदोलन जो है वो करेगी।